वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को सुबह की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अब हमारा खाना हो रहा है। और खाना खाने के बाद हम लोग कहीं जाएंगे आज बाहर घूमने के लिए, तो देखते रहिए आज हम कहाँ जाते हैं मंसूरी में घूमने के लिए। क्या बनाया आपने खाने में? आज मैंने बस रोटी बनाई है, सब्जी आपने बनाई है, दाल मैंने बनाई है, राइस मैंने बनाए हैं, और अंजलि ने बनाई है रोटियां, और अभी रोटी बना रही है। और नितिन काट रहा है सलाद। बेटा सलाद काट रहे हो? खीरे, प्याज, नींबू, हरी मिर्च। अच्छा, सलाद काटने का काम आपका है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके। तो देखो मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे बेटा? यू भी क्या कर रहे बेटा? हाँ जी, गुरु माता जी खाना खा रहे हैं। बेटा आज मम्मी जी को ना काली मूंग का दाल बहुत पसंद है, आज मैंने इनके लिए स्पेशली काली मूंग की दाल बनाई है। और भविष्य को देखो हमने कहाँ बैठा दिया, ये हमें खाना खाने नहीं दे रहा था, इसको यहाँ बैठा दिया है। ये सारा नमक गिर देता है, सब्जी सारा नमक गिर देता है। हमें आज पांचवा दिन हो गया मंसूरी में, और फिलहाल हम जा रहे हैं अब कैंपटी फॉल में। और थोड़ा शांत हो जाओगे, अब क्या गा रहे हो? मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आप सिंगिंग कर रहे हैं, तो आवाज आएगी आपसे पीछे से ना, तो मेरी आवाज चीन आपके अच्छी आएगी। तो अभी सारे बच्चे लोग बैठे घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, हम सभी लोग जा रहे हैं कैंपटी फॉल, और देखते हैं वहाँ पे जाके कितनी भीड़ है, क्या नजारा है वहाँ का। भाभी यू कितना परेशान कर रहे हैं, और ये दोनों को मैंने इनके कपड़े उतार दिए हैं, और ये बिल्कुल कैंपटी पूल में नहाने के लिए तैयार है। यूवी इधर देखो बेटा, यूवी नहाओगे कैंपटी पूल में? भाभी आप नहाओगे? नहाने हैं, ठंडा ठंडा पानी बहुत है बेटा वहाँ पे। आप तो पहले भी नहाए थे ना, ये भविष्य हमारा जब 1.5 साल का था, तो जब यहाँ पे आए थे हम कैंपटी पूल में, तो इसकी आपने पिक्चर देखी होगी, चश्मे वाली रेड कलर का चश्मा लगा रखा है, वो यही की पिक है कैंपटी पूल की। तो आज यूवी भी हमारे 1 साल का होने वाला है, 14 तारीख को हो जाएगा, 14 जून को। तो चलिए दोस्तों आज इसको भी नहला देते हैं, इसकी पिक भी यही खींचेंगे, और बस पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों 5 मिनट बाकी है कैंपटी पूल पहुँचने में। यूवी बाय बाय कर दो, सभी को बाय बाय कर दो, बाय बाय। मंसूरी का कितना पतला रास्ता है, वो कैंपटी पूल हम पहुंच गए। ये नीचे कैंपटी पूल ही है, अभी हम यहाँ से उड़न खटोला होता है ना जो, उसमें बैठ करके जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा रास्ता है, अभी हमें कहीं पार्किंग नहीं मिल रही है, तो हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ लगती है हमारी गाड़ी, शायद यहाँ हमें जगह मिल जाए पार्किंग की। ये हम यहाँ से जा रहे हैं कैंपटी पूल के लिए, और गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन हम लोग बच्चों को लेकर के हम सभी लोग अब मार्केट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर से ही रास्ता है ये। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट के अंदर भी, और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है वो जो झरना है कैंपटी पूल का। तो बस हम लोग यहाँ से निकल ही रहे हैं, और बच्चों को देखो अम्मी जी कैसे ले रहे हैं। बाप उड़न खटोला, और अभी हम इसमें बैठेंगे। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, ये उधर से उतरेंगे और हम इधर से बैठेंगे। ओ थोड़ा सा पीछे, एक मिनट पहले इनको उधर जान दो, उधर जान दो। उड़न खटोला में कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है जी? आवाज नहीं आई भाभी। चश्मा आपका ये रहा, ये यूवी का चश्मा, ये भाभी का चश्मा, और मेरा चश्मा का है। हमारा भविष्य आया सेकंड बार, टिंग पटा टिंग टिंग पटा टिंग, ओए होए ओए होए, यूवी चश्मा चढ़ के जाना है। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, यहाँ पे भी कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग लॉकर सामान रखने के लिए, ये ले रहे हैं अम्मी जी लॉकर। और यहाँ से देखिए हम जा रहे हैं अब नहाने के लिए, बच्चों के लिए ट्यूब ली है, और कितनी ज़्यादा भीड़ है, बाप रे बाप।
माता जी सर्दी कैसी लग रही है? ज्यादा ठंडा पानी है, मैं तो अभी नहाने के लिए गई नहीं और आप इसे देख रहे, बच्चे भी चले गए, अम्मी जी भी चले गए और ये नितिन भी चला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो मेरा तो अभी नहाने का मन भी नहीं कर रहा और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस मैं भी जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। फिलहाल देखिए भाभी कैसे नहा रहा है और अम्मी जी फुल इंजॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और मैं यहाँ पर साइड में खड़ी हुई हूँ और मेरे साथ में अंजलि भी खड़ी हुई है, वो देखिए मैं खड़ी ही हूँ और अंजलि खड़ी हुई है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा अभी नहाने का, ऊपर सर्दी। झरने के नीचे तो हम लोग नहा लिए और अब हम जा रहे हैं वाटर पार्क, इसमें ही है, अटैच है, बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है, तो हम बच्चों को लेकर के, क्योंकि झरने के नीचे हम जब नहा रहे थे तो बहुत ठंडा पानी था, तो आप ही सामने देख रहे हैं वाटर पार्क है, तो हम यहाँ जा रहे हैं नहाने के लिए। अब स्विमिंग पूल में नहाएंगे बच्चों को लेके, क्योंकि स्विमिंग पूल का थोड़ा सा पानी गर्म होता है और यहाँ से टिकट ली जाती है, टिकट लेके हम अंदर जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप। नहा के आए हैं वाटर पार्क से, भी नहा के आए हैं और झरने के नीचे भी नहा लिए, कैंपिंग में भी नहा लिए हैं और अब हम यहाँ पे बैठ के मैगी खा रहे हैं, जैसे कि नहा के भूख लगाई थी हमें, तो अभी क्या मैगी खा रहे हो यहाँ पे? स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, अभी तो स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, हमने मैगी बनवाई है और देखो यूपी कितनी मस्ती करा है, नंगू पंगू तो मैगी खा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सर्दी में बहुत गर्म गर्म मैगी खाओ तो बड़ी मजा आता है। लाइन लग रही, इतनी बड़ी लंबी लाइन है अभी तो नीचे तक है। नहा के आ गए हैं और अभी बहुत ही लंबा जाम लग रहा है और देखिए भाभी यूवी क्या कर रहे हैं दोनों। क्या हुआ, क्या किए? और इसकी शरारत देखो, दोनों सेम सेम कपड़े पहन रखे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, पिटाई कर दूंगी मैं। क्या कर रहे हैं दोनों गाड़ी में बैठी हुई। चलिए दोस्तों मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम।